कुर्सी देवी, सारे संसार में झगड़ा कुर्सी का है। लीडर के इलेक्शन से लेकर पेट के राशन तक हर जगह तेरा ही चमत्कार है। सुनिए। बोलो माई। मैं बोल रहा हूँ पीछे से। जी। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा नाम मेरे नीचे दब गया था। पर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, इस फाइल में प्लान है मेरे घर का और उसके आगे जो मैं हिस्सा बढ़ा रहा हूँ उसका। जी, अगर आप ये प्लान जल्दी से पास करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये फाइल रख दीजिए, मैं इसको पास कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जाइए। बाबूजी, आप जरा अपने टेबल का ड्रॉअर खोलेंगे? ड्रॉअर? वहाँ क्या है? जब तक घर बनता उसमें लेटने का रहता है क्या? जी नहीं, जी नहीं, कुछ रखना है। क्या रखना है? ये नोट रखना है। नोट? हाँ। मतलब आप रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। ये तुम जैसे लोग होते हैं जो रिश्वत देकर सरकारी ऑफिसरों का ईमान खरीदते हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा का नाम हमारा धर्म है। उठा भी लो यहाँ से। बताओ यार, हम लोग क्या बिकाऊ हैं? कमाल है, रिश्वत के इस युग में ये हरिश्चंद्र कहाँ से मिल गया जो काम तो करता है लेकिन रिश्वत लेने से इनकार करता है। बाबूजी, आप मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे भी आपके कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? जी। तो एक काम करो। बताइए। नीचे जाओ। यहाँ नहीं, बिल्डिंग के नीचे। नीचे वहाँ चाय वाला है, कुट्टी चाय वाला। कुट्टी? उसे कोई कप चाय भेज दे। बस सिर्फ एक कप चाय? हाँ, और कहना दो चम्मच शक्कर डाल दे उसमें। एक कप चाय में दो चम्मच शक्कर? वाह, क्या देवता है आप। अभी भिजवाता हूँ। अरे बाबू, कीमती बाबू, कितने चम्मच चक्कर डालने को बोले? दो चम्मच बोले हैं। दो चम्मच? ए लेची, अपने वो नया कलर का है ना ऊपर, कीमती बाबू, उसको ये चाय देके आने का, फटाफट चलो। अच्छा, आप चाय पीते? क्या? हाँ तो चाय। अपने हेरे का आवाज गलती करा। एक तो तेरा इसको का आवाज, ऊपर से तुम लोग का बातचीत का आवाज। मैं मेरा धंधा बंद कर देना क्या? धंधा बंद करने के बाद रेड़े रेड़े का आवाज गलती करो। अभी तुम लोग बात करता था, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता क्या? इधर से पंच मारेगा तो तेरा सामने का दांत तोड़ डालेगा पाला। मैं एक पंच मारेगा तेरा कल का लंच भूल जाएगा। चल चल, तू चल, तू चल, चल चल चल। अभी मैं मेरा रेडियो का वॉल्यूम कटती करता, तुम लोग बातचीत का वॉल्यूम कटती करता। चल, मैं पूछा, मैं पूछा, आप चाय पीते हैं? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, ये लो आपकी चाय का एक रुपया। ये क्या देते भाई? चाय के पैसे? ये चाय एक रुपये वाला चाय नहीं है भाई। फिर कितने की चाय है? 401 रुपया। 401 रुपये की एक चाय? एक रुपया चाय का 400 रुपया चक्कर का, मतलब एक चम्मच 200 रुपया, दो चम्मच 400 रुपया, एक स्पून 200 रुपया फिक्स रेट। क्या 420 और मक्कार आदमी है ये, रिश्वत वसूल करने का निराला ही तरीका निकाला है। ऊपर तो बड़ा शरीफ और ईमानदार बन रहा था ये। देखो सर, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है। ऐसे हमारे ऑफिसर लोग का दो मुंह, एक पब्लिक को दिखाने के लिए, दूसरा माल खाने के लिए। आपको चाय नहीं मांगते कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई, कौन बार बार ऑफिस के धक्के खाता रहेगा। ये लो 400 रुपए। आपने मेरे को पहचाना? बिल्कुल नहीं। अरे कमाल है, आपने मुझे परसों बुलाया था, मैं कल आ गया, मेरा मतलब है आज आ गया। आपने मेरे नल के बारे में कुछ सोचा? मैं क्यों सोचने लगा, तुम्हारा नल है, तुम सोचो। अरे भाई ठीक है, नल मेरा है, लेकिन उसमें पानी आने के लिए तो आप ही सोचेंगे ने। मैं चाय नहीं पीता। पीता नहीं? नहीं। मुझे पिलाओगे? मेरे घर में पानी नहीं आता, ऊपर से मैं आपको चाय पिलाऊं? बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा। नहीं पिलाओगे? आपको मस्का काय को मारूंगा मैं। सामने क्या है? दरवाजा। दरवाजा पकड़ के निकल जाओ। कमाल का आदमी है, पानी नहीं आता तो दरवाजा पकड़ के बाहर। हाँ जी, ये देखिए, ये आपकी फाइल तैयार हो गई, अब आप अपने घर का काम शुरू करवा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कीमती बाबू, आपका चाय पीने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ शक्कर जरा महंगी पड़ती है, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। क्या शक्कर महंगी तो पड़ती है, जरा साथ में मिठास भी तो पड़ती है ना, जितनी शक्कर डालो उतनी मिठास बढ़ती जाती है। इतनी शक्कर में इतनी हंसने का, ज्यादा नहीं हंसने का जाए ऐसे।
जा। चल गड्डी निकल, आज की कितनी कमाई हुई? मेरे आंख कपड़े मेरे को विश्वास नहीं होता, पूरा 1000 रुपए हो गए। अरे तेरी आंख खोल, पैसे ला इधर। भगवान ने आपके कपड़े में एक स्पेशल भेजा रखा है, बात ऑफिस में करने के, माल इधर लूटने के, नाम चक्कर का और माल। सर आप काले पुकड़े का टाइम वेस्ट करते, आपको पैसा होता मंत्री बना के दिल्ली में पैरामेंट में रख दो। पैरामेंट नहीं, पार्लियामेंट में। वही वही, आप बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। तेरे पॉल्यूशन का मतलब मालूम है? गंगी। मैं साला गंगी हूँ, पॉलिटिशियन। अच्छा छोड़, ये 100 रुपए रख। काले 100 रुपया, बाकी पूरा पैसा आप गुड़गुड़। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये रिश्वत के पैसे में तू अकेला हिस्सेदार नहीं है, बहुत लोग हैं। झाड़ू वाली से लेकर दस्तखत करने वाले तक सबकी हथेली की पतीली में नोटों का मसाला रखना पड़ता है, समझ गया? मैं चलता हूँ। सुन, ये रिश्वत की बात किसी से करना नहीं है, नहीं तो मैं तो जाऊंगा साथ, तू भी अंदर जाएगा। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे के एक प्लेट देके अलग किया। एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किचपट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या भेजा है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते है। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है, आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाली जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी है? उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए था, साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहिए। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाहट की वजह से तकदीर का पैर पिसर के गिर जाए, और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। साला झूठा, कुछ भी पंडल मारता रहता है। क्या आपसे कोई साहब मिलने आए हैं? कौन है बोला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर चाड़ा, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा इसलिए फाइल लेकर चलाया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है? ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है? नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुटी, ए ये क्या कर रहा है? पहले आ गए ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपने फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहाँ बात करेंगे। चले जाते हैं। जाता हूँ। ये लेके जाओ, फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। बस वो मछली होने लगी इसको देखिए। क्या आज छुट्टी का दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा काले पकड़े उसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए, घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई, मिल गई। क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, तेरी माँ मंदिर गई। माँ है ना, तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। अच्छा। मैं विजय से मिलकर आया। अच्छा। अच्छा। कुटी, ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब उधर भी चक्कर के लेने पड़े? इस दुनिया में शकर बहुत जरूरी है कुटी। शकर के बगैर न चाय मीठी होती है न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार, इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक के आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, भिड़ो, जाना है, रवाना होना है। चल। नहीं कमल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। ए, क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार, तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना, जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझमें और मुझमें फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। तू जा। औलाद पर मां बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके। और तेरे मां बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे मां बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, यह समझ करके ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट।